हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक देखेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम जो है यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये 28 तारीख का जो है इस स्क्रीनर में जो जो स्टॉक आए हैं इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। और इससे पहले जो है हमने कई वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने जैसे एक दिन बताया था ये मद्रास फर्टिलाइजर का, तो आप ये देख सकते हो, ये शायद 21 या 22 तारीख की बात है। और यहाँ पे देख सकते हो मद्रास फर्टिलाइजर इस दिन की बात है। और मैंने बोला था हल्का रिट्रेसमेंट आएगा और उसके बाद में ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सपोर्ट ले रहा था 2-3 दिन से। ये लाइन आप देख सकते हैं और उसके बाद आज देख सकते हैं 11-12% का एक दिन में जो है इसने प्रॉफिट दिया है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो है एक और स्टॉक था, वो भी आप देख सकते हैं, ये रूसिल डेकोर करके था, तो ये भी अपने इसमें आया था स्क्रीनर में और वो भी मैंने बताया था आप लोगों को। और ये रूसिल डेकोर का जो है आप वीडियो देख सकते हैं, डिटेल वीडियो आप चैनल पे जाके, अभी आपको दिखा देता हूँ किस डेट को बनाया था। तो ये रूसिल डेकोर का तो मैंने लगभग ये जो है 483 वाले पे बताया था, यानी ये आप देख सकते हैं 22 मार्च का वीडियो है, आप चेक कर लेना एक बार। और मैंने वही 10-12% का बताया था और आज आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन आ रहा है, तो वो अगर आप थोड़ा सा इसमें जो है एनालिसिस करें तो उसमें आप बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो अभी 8% जो है, यानी पिछले 3-4 दिन का जो आ रहा है, तो उसमें देख सकते हैं। तो जैसे ये है, ये स्टॉक आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं यहाँ से जो है कॉपी करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर देखता हूँ इसका जो है क्या कुछ चल रहा है। और अगर ये बाइंग के लिए सही रहेगा तो आप इसमें जो है थोड़ा एनालिसिस खुद करना है, मेरे बताने पे एग्जैक्ट जो है आपको बाइंग नहीं करना है। और यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अभी इसका ये जो पॉइंट है, तो यहाँ इसको सपोर्ट मिल रहा है, ये भी देख सकते हो। इसके बाद में ये हाई था और यहाँ अगर वो लो बना रहा है, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। इसको मैं सपोर्ट के लिए एक जो है लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप अगर इस लाइन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है स्पोर्ट लाइन दिखेगी। देख सकते हैं यहाँ का इधर हाई हुआ है और इधर ये लो हो रहा है, मतलब ये स्पोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो ये जो पॉइंट है आपका जो है 270 के आसपास आ रहा है, और यहाँ से ये जो पॉइंट है तो ये 308 का है, यानी 308 तक तो आप बिना किसी टेंशन के आप आराम से जो है टारगेट ले सकते हैं। उसके आगे भी जाएंगे, बट 308 और 270 के बीच में आप देख सकते हैं 38 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट जो है ये 10% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अगर आपको बाइंग कहाँ करना है, जैसे ही अपना इसमें स्क्रीनर में आता है तो उसके बाद में आपको देखना है कि कहीं स्टॉक रिट्रेसमेंट तो नहीं ले रहा। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो उसके बाद आप जो है रिट्रेसमेंट के बाद बाई करना है, लोट्स में बाई करना है, क्योंकि रिट्रेसमेंट का कोई एक फिक्स जो है डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। बट एक स्पोर्ट होता है, जैसे आज ये देख सकते हैं, तो स्पोर्ट के बाद यहाँ से रिवर्स जाने के काफ़ी हायर चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट यहाँ पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4 दिन यहाँ पे जो है ये स्टॉक जो है ट्रेड किया है, तो इस पॉइंट पे बनती है जो कि काफ़ी नीचे है। बट फ्रेंड, आपको जो है लोट्स में बाई करना है, वेट भी नहीं कर सकते, ये 246 आने का तो वेट नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पे बाई करके रखिए लोट्स में। और अगर बाई एनी चांस इसका अगर स्पोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 246 का स्पोर्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये हमारी पुरानी वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्टॉक सिलेक्शन है वो कितना परफेक्ट जा रहा है। और मैं किसी स्टॉक को बाई करने के लिए सुझाव नहीं दे रहा हूँ, हाँ ये है कि मेरे पास स्टॉक सिलेक्शन आ रहा है और मैं क्या करूँगा उसमें वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें एनालिसिस करके बाई सेल जो करना है आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पुराने वीडियो भी देखिए जिससे आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।